जो सक्रिय रूप से एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में हर महीने पीएफ का पैसा जमा करा रहे थे, ये आंकड़ा याद रखना। पिछले 3 साल में ये संख्या बढ़कर के 4,80,00,000 पहुंच गई है। कुछ लोग शल्य यह भी भूल जाते हैं कि बिना रोजगार बढ़े ये संख्या कभी बढ़ती नहीं है। साथियों, हम सारी योजनाओं को उस दिशा की तरफ ले जा रहे हैं जो गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग की जिंदगी में क्वालिटेटिव चेंज लाए। जनधन योजना के तहत अब तक 30 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक अकाउंट खोले जा चुके हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं से को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। लगभग 15 करोड़ गरीबों को सरकार की बीमा योजनाओं के दायरे में लाया गया है। कुछ दिन पहले ही हर गरीब को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के लिए सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई है। इस सरकार की सारी योजनाएं गरीबों को सशक्त कर रही हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी चीज से होता है तो वो है भ्रष्टाचार, वो है काला धन। भ्रष्टाचार और काले धन पर रोक लगाने में आपके संस्थान और देश की कंपनी सेक्रेटरीज की बहुत बड़ी भूमिका है। नोटबंदी के बाद जिन 3 लाख संदिग्ध कंपनियों के बारे में पता चला था, जिनके माध्यम से काले धन का लेन देन किए जाने की आशंका है, उनमें से 2,10,000 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है। हमारे देश में एक कंपनी भी अगर बंद करो ना तो काले झंडों के जुलूस निकलते हैं। 2,10,000 किया, कुछ समाचार ही नहीं आ रहा है, न कोई मोदी का पुतला जला रहे हैं, यानी कितने झूठी दुनिया चली होगी आप कल्पना कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि शैल कंपनियों के खिलाफ इस सफाई अभियान के बाद डायरेक्टरों में भी जागरूकता बढ़ेगी और इसके असर से कंपनियों में पारदर्शिता भी आएगी और आप उस भूमिका को बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे। साथियों, देश के इतिहास में ये कालखंड बहुत बड़े परिवर्तन का है, बहुत बड़े बदलाव का है। देश में ईमानदार और पारदर्शी शासन का महत्व समझा जाने लगा है। कॉरपोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क के निर्धारण के समय ICSI रिकमेंडेशंस की काफी सकारात्मक भूमिका रही थी। अब समय की मांग है कि आप एक नया बिजनेस कल्चर पैदा करने में भी सक्रिय भूमिका निभाएं। GST लागू होने के बाद इनडायरेक्ट टैक्स के दायरे में 19 लाख नए नागरिक आए हैं। छोटा व्यापारी हो या बड़ा, GST में समाहित ईमानदार व्यवस्था को अपनाएं। इसके लिए व्यापारी वर्ग को प्रेरित करते रहना, ये मेरी आप सबसे अपेक्षा है। आपके संस्थान में लाखों छात्र जुड़े हुए हैं और सब कोई आखिरी तक पहुंचते नहीं है। तो उनके लिए भी तो काम ढूंढना चाहिए ना, जो बीच में लटक जाते हैं उनके लिए मैं काम ले आया।
क्या आपका संस्थान ये बीड़ा उठा सकता है? लेकिन मैंने बताया तो नहीं कौन सा। कम से कम 1,00,000 नौजवानों को जीएसटी से जुड़ी छोटी छोटी जानकारियों की ट्रेनिंग दें। हफ्ते 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद ये छात्र अपने अपने इलाकों में छोटे छोटे दुकानों को मदद कर सकते हैं, उन्हें जीएसटी निर्भर से जोड़ने में काम कर सकते हैं, रिटर्न फाइल करने में काम कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उनका एक नया रोजगार का क्षेत्र खुल सकता है। और बहुत आसानी से उनकी कमाई अपने इलाके में शुरू हो जाएगी। और अगर ऑर्गेनाइज वे में इस काम को आप उठाते हैं, आप देखिए शायद 1,00,000 भी कम पड़ जाएंगे। साथियों, 2022 में देश आजादी के 75 साल मनाएगा और हमारे दिल में एक सपना होना चाहिए कि जिन महापुरुषों ने देश की आजादी के लिए अपनी जवानी खपा दी, मौत को गले लगाया, जिंदगी जेलों में बिता दी, आजीवन संघर्ष करते रहे, मां भारती के लिए अनेक सपने देखे हुए थे। 2022 में उस आजादी के 75 साल हो रहे हैं। हर हिंदुस्तानी के लिए 2022 ऐसा ही सपना होना चाहिए कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के समय देशवासियों के अंदर एक जार आया था कि अब तो अंग्रेजों को निकाल के रहेंगे, हम भी 2022 75 साल के लिए ऐसे कुछ सपनों को लेकर के चले। क्या आपका संस्थान, अगर मैं उनसे कुछ वादा चाहूं, मैं नहीं चाहता हूं आज ही मुझे हां कर दीजिए, लेकिन आप सोचिए, क्या आप 2022 तक कुछ संकल्प ले सकते हैं क्या? उन वादों में आपके संकल्प होंगे और उन संकल्पों को आप ही को सिद्ध करना होगा। क्या आप 2022 तक देश को एक हाई टैक्स कंप्लायंट सोसाइटी बनाने का बीड़ा उठा सकते हैं? क्या आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि 2022 तक देश में एक भी सेल कंपनी नहीं रहेगी? क्या आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि 2022 तक देश में हर कंपनी ईमानदारी से टैक्स भरेगी? तालियां कम हो गई। वो कठिन काम था। क्या आप अपनी मदद का दायरा बढ़ाकर 2022 तक देश में एक ईमानदार बिजनेस कल्चर स्थापित कर सकते हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि 49 साल की यात्रा आपने पूरी की है, गोल्डन जुबली वर्ष की शुरुआत है। आईसीएसआई इन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए अलग कुछ दिशा निर्देश तय करेगा और उन्हें अपनी कार्य संस्कृति में भी शामिल करेगा। मैं आपको इस गोल्डन जुबली ईयर के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और मैं देशवासियों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं पिछले कुछ दिनों में आर्थिक विषयों पर हमारी जो आलोचना हुई है, उन आलोचनाओं को हम बुरा नहीं मानते हैं। हम एक संवेदनशील सरकार है, हम कठोर से कठोर आलोचना का भी हृदय से स्वीकार करते हैं और उचित स्थान पर संवेदनापूर्ण तरीके से उन आलोचनाओं पर भी गंभीरता से सोच करके और पूरी नम्रता के साथ देश की अर्थव्यवस्था को
आज पूरा विश्व भारत की तरफ जो अपेक्षाएं कर रहा है, 125 करोड़ देशवासी जो अपेक्षा कर रहे हैं, उसी रिदम से, उसी तेज गति से, उसी व्याप से चला के रहेंगे। ये मैं हमारे आलोचकों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, नम्रतापूर्वक विश्वास दिलाना चाहता हूं। आलोचकों की हर बात गलत होती है, सामने मानने वाले वैसे नहीं है, लेकिन देश में निराशा का माहौल पैदा करने से बचना चाहिए। देश में जो ये पैरामीटर मैंने दिखाया, ऐसे कई पैरामीटर है जो भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती का सबूत देते हैं, सरकार की निर्णय शक्ति का सबूत देते हैं, सरकार की दिशा और गति का सबूत देते हैं, और देश और दुनिया में भारत के प्रति जो विश्वास बढ़ा है, उसकी भरी भांति उसमें ताकत नजर आती है। इसको हम नजरअंदाज न करें और हम नए भारत के निर्माण के लिए नया उत्साह, नया उमंग, नया स्वास्थ्य नहीं चल पड़े। मैं भी आप लोगों को गोल्डन जुबली के लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए, आप इस क्षेत्र के होने के कारण मेरा मन कर गया है इन्हीं विषय पर आज आपसे चर्चा करूं और इस बातों को आपके माध्यम से देशवासियों तक पहुंचेगी, इसी एक विश्वास के साथ फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय, आपके स्वर्ण वचनों के लिए, स्वर्ण प्रेरणा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। गुड गवर्नेंस की बेहतरीन मिसाल बनकर जन जन हर मन को जीतने वाले, जनमन को जीतने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी।